मनमोहन सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जनता का जनाधार उन्हें पूरा मिल रहा है। अब इसका खुलासा तो 13 मई को नतीजे आने के बाद होगा, लेकिन हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। निकाय की लड़ाई अब दिलचस्प होती जा रही है। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। हमारी टीम भी लगातार लोगों के बीच में जाकर उनके मन को टटोल रही है, साथ ही प्रत्याशियों के बीच जाकर उनके इरादों के बारे में भी जान रही है। इसी क्रम में हमारे चंदौली के संवाददाता ने बीजेपी के चकिया से नगर पंचायत के प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। चलिए छोड़ चलते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। हम चटिया नगर पंचायत निकाय चुनाव में एक ऐसे शख्सियत के पास आके बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही नहीं चटिया नगर पंचायत के भावी चेयरमैन भी हैं। मैं इनको आपसे बात करके सुनाता हूँ ये चटिया नगर पंचायत का विकास किस रूप में करेंगे। मैं एक चीज़ और बताऊँ इनको, इनका रूटीन ये हमारे साथी सहयोगी पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता भी इनका एक पेशा और दिलचस्प इनका लगाव है। दूसरे चीज़ ये भारतीय जनता पार्टी के किसानों के नेता भी हैं। ये जो एक फ्रंटल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें किसान मोर्चा के ये उप मंत्री भी जिला मंत्री हैं। अब ऐसे विषम परिस्थिति में इनका व्यवहार भी बहुत सुंदर है, तेज तर्रार है, आपको बातों से खुद लगेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये चटिया नगर पंचायत को किस दिशा में लेकर चलना चाहेंगे, कैसे विकास की धारा से जोड़ेंगे, मैं आपको सुनाता हूँ। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप चटिया नगर पंचायत के विकास को किस रूप में लेकर चलना चाहेंगे? पहले तो मैं बता दूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, सबका साथ सबका विश्वास, सबकी प्रगति, सबको समान लेके चलना, गरीबों के लिए सेवा ही संकल्प की भावना से नगर पंचायत के समस्त गरीबों तक जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, नगर पंचायत में जो प्राप्त 15-17 साल से भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए, जो भी विकास हो उसमें लगे कि उसकी विकास की गति हो रही है और जो है विकास की गुणवत्ता, जो भी कार्य हो वो शानदार तरीके से उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत की संकल्पना के साथ गरीबों के संपूर्ण विकास के लिए कित संकल्पित काम हमारा उद्देश्य है। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप क्योंकि किसान मोर्चा से भी हैं, पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, ये सारी एक साथ में कितना कैसे प्रेशर महसूस करते हैं, कैसे लेके चलते हैं? देखिए समाज सेवा से तो हम बहुत पहले से ही जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी लगभग 20-25 साल हो गया है और पत्रकारिता भी लगभग 18-19 साल हो गया है। वर्तमान समय में मैं राष्ट्रीय सहारा का तहसील प्रमुख हूँ चकिया तहसील का और 13 साल से राष्ट्रीय सहारा में काम कर रहा हूँ, वकालत भी किया हूँ, पत्रकारिता भी है, 2 बार मैं नगर पंचायत का ऑलरेडी सभासद अलग अलग वार्डों से रह चुका हूँ। समाज सेवा का कार्य उस दौरान बखूबी अंजाम दिया हूँ, अनुभव है। 2 बार आदित्य पुस्तकालय जो कि बार एसोसिएशन चकिया द्वारा संचालित है संस्था है, उसका मैं 2014 में एक बार निर्विरोध अध्यक्ष रहा और 2015 में पुनः हमारे अधिवक्ता साथियों के आशीर्वाद से मैं पुनः उसका अध्यक्ष बना। आप देख भी सकते हैं कि जो आदित्य पुस्तकालय में जो विकास समय हुआ था मेरे पीरियड में, वो मतलब अपने से क्या तारीफ करूँ, मतलब जितना भी हो सका बढ़ चढ़ के विकास करने का प्रयास। सुबह उठता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहता हूँ, मैं चकिया का ही रहने वाला हूँ, झंडा गली में रहता हूँ और लगातार जो भी समस्याएं आती है, कुछ लोगों की प्रशासनिक क्षेत्र समस्या आती है उसको भी अपने प्रयास करता हूँ कि हल हो, कुछ
आर्थिक समस्या लोगों को आता है उसको भी दूर करने का प्रयास करता हूँ। उससे एक साथ बहुत सारी संगठनों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पुस्तकालय का अध्यक्ष हुए, मैं भूल गया आपको बताना, मुझे पता नहीं है, पर दर्द पर इनसे बातें करने पर खुल रहा है, ये दो बार सभासद भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ ये अधिवक्ता भी हैं। ऐसे में आपसे प्रश्न ये उठता है कि इन सारी संस्थाओं का भी तो फायदा आपको मिलेगा भी। अरे सर, जरूर हमारे साथ सभी संस्थाएं भी, जैसे बार एसोसिएशन भी, हमारे सभी अधिवक्ता साथी का पूरा प्रेम और पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चकियां की जनता जो है जाति पाति की बंधन से हट करके और पूरा आशीर्वाद प्रदान कर रही है, जिससे मेरा आत्मविश्वास पूरे चकियां की जनता से मिलने के बाद मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं निश्चित तौर पे जो मेरे मेरी जनता जो मुझे आशीर्वाद दे रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं जरूर सफलता प्राप्त करूँगा और चकियां की सेवा जो है और मैं बखूबी अंजाम दूंगा चकियां की जनता के लिए, जितना भी हो सकेगा करूँगा। जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास से मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडलीय एजेंडा है, तो चकिया में मैं देख रहा हूँ कि चर्चाएं होती हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से दूर है, लेकिन मैं चकिया में देख रहा हूँ कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, इसमें क्या कहना आपका? अरे जरूर जुड़ रहा है। देखिए चकिया में हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी अच्छी खासी है, करीब 2500-2600 के करीब है। कुछ तो हमारे पारिवारिक, हम जिस गली में रहते हैं झंडावली गली, उसका भी मैं सभासद रहा 2006 में, उस समय भी उनका प्रेम और खूबी मिला और रिकॉर्ड मतों से 697 वोट उसमें पोल हुआ था, इसमें से 537 वोट में पाया था उस दौर में। और हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से मेरा घरेलू संबंध, मैं सबके यहाँ जाता हूँ, सबके त्योहारों में, उनकी त्योहारों में भागीदारी मेरी रहती है, एक एक परिवार से मेरा इंटरनल जुड़ाव है, उसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छी संख्या में, बहुत ही अच्छे मतों से जो है हमको मुस्लिम भाई भी मतदान कर रहे हैं और उनका भी आशीर्वाद हमको बखूबी मिल रहा है। जी सवाल ये चलते चलते फिर एक सवाल और भी मेरे मन में आ रहा है कि चकिया नगर विकास में ऐसा क्या चीज करेंगे कि आप देखते चले आ रहे हैं, कई संगठनों को लेके आ रहे हैं, आपको लगता होगा कि अगर मुझे ऐसा सत्ता हाथ में मिले तो कौन ऐसा काम करेंगे जिसे चकिया में एक खुशहाली आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रंटल सपना है वो भी पूरा हो जाए? देखिए चकिया नगर पंचायत को जब से हम देख रहे हैं, एकदम जो भी विकास के कार्य होते हैं, शासन तो पैसा पूरा मुहैया कराती है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश ही होता है। सड़क बनता है तुरंत खराब हो जाता है, एक साल भी कायदे से नहीं सड़क चलती है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम इसके पहले जो चेयरमैन रहे, पहले इंटरलॉक फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं और जबरदस्ती ठेकेदार को कहते हैं कि मेरे ही फैक्ट्री का इंटरलॉक ले, उसी से सड़क बनाते हैं, सड़क खराब हो जाती है तुरंत। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा इस तरह की कोई योजना जो है, अगर मुझे मौका मिला तो नहीं रहेगा, सड़क जो भी बनेगी चाहे सीसी की चाहे इंटरलॉक की, उसकी पहला तो सर्वप्रथम ये है। इसमें गलियों में चारों तरफ अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट की हालत बहुत खराब है, पता नहीं किस कंपनी के लाइट लगाते हैं लोग, आजकल तो एलईडी 2 साल की गारंटी पे चलता है लेकिन लगते ही खराब हो जा रहा है। तो हर गलियों में प्रकाश की व्यवस्था हो, यहाँ जो है रोजगार के अवसर कम है। हमारे विधायक जी आदरणीय आचार्य जी जो है क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे भी मेरा बहुत लगाव है, हमको बहुत प्रेम करते हैं, सांसद भी हम लोग के पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब अपना दल जो है ज्वाइन। उसके बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में भी हम लोग की है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है तो सबको मिल के कुछ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे और कैंप लगा के जितनी भी महिलाएं या जितने भी आवास से वंचित हैं, हर घर आवास योजना गरीबों के लिए चल रही है आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कैंप लगा के सभी सरकारी योजनाओं को बिलाने का प्रयास किया जाएगा, विकास की गंगा बहेगी चकिया में, यही मेरी सोच है।
जी चलते चलते बाकी सवाल लेते हैं, क्योंकि आप व्यस्त हैं चुनाव में, आपको सरगर्मी बहुत तेजी से है, लगे हैं, मैं देख रहा हूँ व्यस्तता बहुत ज़्यादा, सब लोग आपको अपनी तरफ बात करने के लिए खींच रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अक्सर कि चुनाव अगर जीत जाते हैं तो हम जीतने के लिए सहेली और हमारे नगर पंचायत के मतदाताओं से अगर कोई अपील करना चाहते हैं। देखिए, नगर पंचायत के मतदाताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार 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 हम मैं देख रहा हूँ कई बार से भावनाओं में आकर के वोट दे देते हैं, भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है, इस समय जरूरत है विकास की कि कौन विकास कर सकता है चकिया का। नगर पंचायत में पिछले 15 साल से लगातार देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सबको दूर करने के लिए यहाँ चकिया की समस्त जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो योग्य उम्मीदवार का चयन करें। अगर मुझे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मौका मिला नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर शोभित हुआ तो मैं जरूर चकिया की तस्वीर बदलने का प्रयास करूँगा, सभी धर्मों को लेकर चलूँगा, सभी वर्गों को लेकर चलूँगा, न कोई जात न कोई भेद, सबको मिला करके सबको एक समान भावना के साथ कार्य करने का प्रयास करूँगा, यही जनता जनार्दन से। हमारी बात चकिया नगर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव से हो रही थी। कितना बारीकी से, कितना समझदारी से अपने अनुभवशील होने का प्रमाण ये दे रहे थे। ये सही है कि अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में या गौरव श्रीवास्तव के हाथों में दी जाए तो इसमें दो राय नहीं है, चकिया नगर पंचायत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। मैं चंद्रभूषण चौबे चंदौली से प्राइम टीवी।